सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवनीत, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों यदि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर आपका कोई बॉयफ्रेंड है तो दोस्तों आज के वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, जहाँ पर दोस्तों ये एप्लीकेशन आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, साथ ही साथ ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी होगी। दोस्तों बहुत बार ये होता है कि हम हमारे घर पर हैं या कहीं पर भी, ऐसा मौका आ जाता है जबकि मान लीजिए हम अपना मोबाइल फ़ोन को छोड़ देते हैं अकेला, मान लीजिए चार्जिंग पर लगा हुआ है या फिर हम कहीं बाथरूम वगैरह में हैं, और उस टाइम पे यदि हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर हमारी कोई गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है या फिर कोई भी ऐसा नंबर होता है जिसको कि हम नहीं चाहते कि हमारा कोई फैमिली मेम्बर उस नंबर को देखे या फिर उस नंबर को इनकमिंग कॉल को उठा सके, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, जहाँ पर दोस्तों इस एप्लीकेशन की मदद से आप उस नंबर को हाइड कर सकते हैं, साथ ही साथ लॉक कर सकते हैं, जिससे कि ये होगा कि जब भी यदि मान लीजिए आपकी गैर मौजूदगी में यदि कोई कॉल वगैरह आती है तो पहली चीज़ तो उसका नंबर शो नहीं करेगा और साथ ही साथ आपका कॉल जो है वो सिर्फ आप ही उठा पाएंगे, क्योंकि उसमें आप पैटर्न लॉक लगा सकते हैं, पिन लॉक लगा सकते हैं या फिर अपनी जो फिंगरप्रिंट है वो लगा सकते हैं। तो दोस्तों इनकमिंग लॉक एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। जैसा कि अभी आप यहाँ पर मेरा मोबाइल फ़ोन देख रहे हैं, ये इस तरीके से देखिए मैं इसको लॉक लगा देता हूँ। अब मैं अपने दूसरे नंबर से यहाँ पर कॉल करने वाला हूँ, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर मैं इस नंबर पर कॉल कर रहा हूँ, इस नंबर को मैंने इधर पर इनकमिंग लॉक पर लगा रखा, अब यहाँ पर मैं कॉलिंग कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप यहाँ पर, और इस पे कॉल आने वाली इससे, तो देखिए अभी कॉल आती है तो क्या दिखाता है देख सकते हैं आप, तो देख सकते हैं आप इनकमिंग कॉल लॉक, देख सकते हैं यहाँ पर दिख रहा है ना, मैंने इस नंबर से यहाँ पर कॉल किया इस वाले फ़ोन से इस पे, तो यहाँ पर एक लॉक बन के आ चुका है, ना ही नंबर शो हो रहा है ना ही यहाँ पर कॉल उठाने का कोई ऑप्शन दे रहा है, जब तक यहाँ पर मैं पैटर्न लॉक नहीं डालूंगा, क्योंकि मैंने पैटर्न लॉक लगा रखा है। देखिए यहाँ पर मैं पैटर्न लॉक डालता हूँ इस तरीके से, तो यहाँ पर ये दिखाने लगा कि इस नंबर से कॉल आ रही है, तो अब मैं चाहूँ मेरी परमिशन के बिना यहाँ पर कोई भी कॉल नहीं उठा सकता। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसी एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाला हूँ, जहाँ पर आप अपने किसी भी कॉन्टैक्ट को, पर्टिकुलर किसी भी सेलेक्टेड कॉन्टैक्ट को यहाँ पर आप लगा सकते हो, जिससे कि मान लीजिए वो कॉल करता है और आपकी गैर मौजूदगी में यदि आपका कोई फैमिली मेम्बर या कोई भी उस कॉल को देखता है तो वो ना तो नंबर दिख पाएगा ना ही उस कॉल को उठा पाएगा। तो दोस्तों यदि आप जानना चाहते हैं कि ये आप किस तरीके से कर सकते हैं और कौन सी है ये एप्लीकेशन, तो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, तो दोस्तों आप जानने के लिए बने रहे वीडियो पे, बिना स्किप करे शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर का आप सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं, इसको दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस बेल आइकन को, घंटी वाले बटन को जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट करें चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है वो एप्लीकेशन, तो पहले मैं इस एप्लीकेशन का आपको यूज़ बता देता हूँ, इसमें क्या क्या आपको सेटिंग करनी होगी ये बता देता हूँ, इसके बाद में मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से इस एप्लीकेशन को आप भी आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसके अंदर डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप इसको डाउनलोड कर लेते हैं, इंस्टॉल करेंगे, इसके बाद इस तरीके से ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर आपको यहाँ पर 5 स्टेप दिखाए जाएंगे जहाँ पर आपको एक एक करके इनको परमिशन को अलाउ करना है। तो पहला वाला ऑप्शन है प्रोवाइड परमिशन, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से टच करना है, जैसे ही टच करेंगे तो ये आपसे पूछेगा अलाउ इनकमिंग कॉल लॉक टू फोन, तो यहां पर अलाउ कर दीजिए, इसके बाद देखिए प्रोवाइड परमिशन, तो यहां पर ओके कर देना है, इसके बाद यहां पर आपको ये ऑफ रहता है इस तरीके से, तो आपको इस तरीके से इसको ऑन कर देना है, ठीक है, और यहां पर बैक हो जाना है, और फिर इसके बाद आप देख सकते हैं सेट लॉक टाइप, सेकंड नंबर सेकंड स्टेप पे सेट लॉक टाइप, तो आपको यहां पर टच करना है, पिन या पैटर्न जो भी रखना चाहें वो रख लीजिए, यहाँ पर मैं पैटर्न लॉक को रख रहा हूँ, तो पैटर्न मैंने सेलेक्ट कर दिया, आप देख सकते हैं सेट पैटर्न, तो यहाँ पर मेरे को थर्ड नंबर पे सेट पैटर्न पे टच करना है, और जो भी पैटर्न लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पर एल ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से, यहाँ पर फिर कन्फर्म कर देना है आपको, कन्फर्म जी मैंने कन्फर्म कर दिया, आप देख सकते हैं स्टेप 4 पे लिखा हुआ है इनेबल लॉक, तो यहाँ पर अनटिक रहता है, तो आपको इस तरीके से टिक कर देना है, फिर देख सकते हैं 5th नंबर पर यहाँ पर सेटिंग है, 5th स्टेप पर सेटिंग है, तो इस पर आपको टच करना है, जैसे ही आप टच करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा जहां पर लिखा हुआ है इनेबल फिंगरप्रिंट, यदि आपके मोबाइल फोन के अंदर फिंगरप्रिंट है तो आपको यहां पर टिक मार्क कर देना है, और यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, आपका जो आपने पैटर्न या पिन लगाया उससे भी काम हो जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं कॉल टाइप टू लॉक, तो यहां पर बाय डिफॉल्ट ऑल रहता है, तो हमें सभी नंबर को तो लॉक करना नहीं है, किसी गिने चुने नंबर को करना है, तो यहां पर आपको इस तरीके से टच करना है और अलाउ आएगा तो आपको अलाउ कर देना है, इसके बाद यहां पर बैक हो जाना है
और देख सकते हैं आप यहाँ पे इनकमिंग ऑल तो करना नहीं है हमें, किसी गिने चुने नंबर को करना है। तो सेलेक्टेड कॉन्टैक्ट, यहाँ पर आपको लास्ट वाले पे सेलेक्टेड कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर देना है और फिर इसी के नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट कॉन्टैक्ट टू लॉक, तो आपको यहाँ पर इस तरीके से टच करना है। जैसे ही आप टच करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट ओपन हो जाएगी और जिस भी नंबर को आप चाहते हैं लॉक करना कि आपकी गैर मौजूदगी में ना तो कोई वो नंबर देख सके ना ही उसकी कॉल उठा सके, तो वो आप यहाँ से टिक कर दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपनी 2 का कर दिया है, तो अब ये नंबर से यदि मुझे कॉल आएगी तो ना ही उसका नंबर करेगा और ना ही कोई भी व्यक्ति उसका कॉल उठा पाएगा। तो यहां पर मैंने सेलेक्ट कर दिया और यहां पर देख सकते हो ऊपर की तरफ में सेव वाला ऑप्शन है राइट हैंड साइड ऊपर की तरफ में, तो यहां पर इसको इस तरीके से सेव कर देना, ऑपरेशन कंप्लीट लिख के आ जाएगा और अब आपका ये जो लॉक है अपना काम करने के लिए रेडी है। तो चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूं। ये मैंने लॉक किया अब अपने दूसरे नंबर से जो मैंने यहां पर लॉक में लगाया है, अब यहां पर मैं कॉल कर रहा हूं उस पर, देखिए तो देख सकते हैं आप यहां पर कॉलिंग लग रही है। तो यहाँ पर मैं देखिए ये कॉल आ चुकी है, तो जहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस नंबर पे यहाँ से इस पे कॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए ना ही मुझे नंबर शो कर रहा है इसका और ना ही यहाँ पर कोई भी कॉल उठाने का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है ना। तो अब यदि मुझे इसको करना है तो यहाँ पर जब तक मैं इसमें जो मैंने लॉक लगाया है उसको ड्रॉ नहीं करूँगा इस तरीके से, तब तक वो ओपन नहीं होगा। ये मैंने ड्रॉ किया, अब देखिए यहाँ पर नंबर भी शो होने लगा, साथ ही साथ यहाँ पर कॉलिंग उठाने का ऑप्शन भी दे रहा है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन की मदद से आप बहुत ही आसान तरीके से किसी भी गिने चुने नंबर को आप यहाँ पर लॉक कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। आपकी गैर मौजूदगी में आपकी कोई भी जो कॉल होगी जो आपने लॉक करी है वो कोई भी ना तो उसको देख पाएगा नंबर को, ना ही उठा पाएगा। तो दोस्तों अब मैं बता देता हूं किस तरीके से इस एप्लीकेशन को आप भी आपका जो मोबाइल फोन है उसके अंदर डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए फिलहाल आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के नीचे यहां पर आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में मैंने इस एप्लीकेशन का डाउनलोडिंग लिंक दे दिया है, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से आप इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहां पर कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन क्या होता है, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन ये होता है, वीडियो का ये जो नाम दिखा देख रहे हैं आप लिखा हुआ है, इसके सामने आपको यहां पर एक एरो देखने के लिए मिलता है, इस एरो पर आपको इस तरीके से टच करना है और नीचे की तरफ में आना है जहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा डाउनलोड ऐप क्लिक हियर, नीले कलर से आपको ब्लू कलर से यहां पर एक लिंक देखने मिलेगी। जैसे ही आप इस लिंक पर टच करेंगे तो इस एप्लीकेशन को डायरेक्टली अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के नीचे लाइक बटन होता है, इसको दबाकर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ यहां से इसको शेयर कर दीजिए। और दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, इसको दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस बेल आइकन को घंटी वाले बटन को जरूर से प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों फिलहाल के लिए अब इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय माता दी।